अभी तक SSH यूज करने का सबसे अच्छा फायदा जो मेरे को हुआ है, अपार्ट फ्रॉम कि मैं अपने सारी डॉक्यूमेंट, सारी फाइल, सारा रूट सिस्टम अपने कंप्यूटर पे देख पाता हूँ, वो है मेरी रिंगटोन। सो गाइस आई विल जस्ट शो यू। सो लेट मी नो द पोल राइट ओवर हियर, जहां भी पोल आता है कि आपको सीखना है कि अपने मोबाइल की रिंगटोन SSH के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, हर्ष हियर बैक विद द वीडियो। सो गाइस अगर आपके पास एक आईफोन है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आती होगी, आपको अपने पीसी में चीजें ट्रांसफर करनी होती होंगी एंड आप उसको नहीं कर पाते होंगे क्योंकि वायरलेसली मतलब वायरलेसली वायर्ड एप्पल परमिशन नहीं देता है कि अपने आप फाइल सिस्टम अपने रूट सिस्टम को आप एक्सेस कर सकें। अगर आप इसको अपने कंप्यूटर पर लगाएंगे भी तो गाइस सिंपली आप सिर्फ दो ही चीजें एक्सेस कर सकते हैं, नहीं एक ही चीज एक्सेस कर सकते हैं जो कि है फोटोज एंड आईट्यून्स के साथ। आप थोड़ी बहुत और चीजें एडजस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस मिलता है मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमारे आईफोन का, अगर आपको अपने कंप्यूटर पर चीजें ट्रांसफर करनी है बी इट वायरलेसली और वायर्ड। बट गाइस अगर आप अपने आईफोन में SSH को इंस्टॉल कर लेंगे तो गाइस वायरलेसली, मान लो अपने पीसी पर भी हो या फिर अपने किसी एंड्रॉइड मोबाइल पर, किसी अपने आईफोन मोबाइल पर भी हो, एप्पल मोबाइल पर आई मीन, तो गाइस तब भी आप अपने फोन को अपने वायरलेसली एक्सेस कर पाओगे अपने आईफोन को एंड गाइस बिना किसी वायर के। एंड गाइस सिंपली फोटोज वगैरह एक्सेस नहीं, पूरा इंटरनल जो रूट सिस्टम होते हैं हमारे आईफोन डिवाइस का, मतलब जो सेव फाइल्स होती है, जो आपके गेम्स वगैरह हैं, अगर आपको मान लो गेम में कोई पैचेस वगैरह डालने हैं वो भी आप डाल सकोगे, आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर ही पाओगे, मतलब फोटोज वगैरह रिकॉर्डिंग्स जो भी इंटरनल फाइल्स होती हैं इसमें, वो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा सारा एंड गाइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह जितनी भी आपकी म्यूजिक फाइल्स हैं सारी, मतलब हर एक चीज आप एक्सेस कर पाओगे एक SSH के थ्रू। गाइस बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि SSH होता क्या है। गाइस SSH इज बेसिकली सिक्योर्ड शेल हैश एंड गाइस मतलब अगर आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है तो आप यहां से स्किप कर सकते हैं इसको। वैसे गाइस बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि SSH क्या होता है। एनीवे गाइस टाइम स्टैम्प यहां पर आ गया होगा, आप यहां पर इसको स्किप कर सकते हैं, आपको सीधा ट्यूटोरियल देखना है। गाइस बेसिकली SSH में होता क्या है, तो गाइस बेसिकली मान लो ये आपका पीसी है और ये आपका आईफोन है एंड ये जो आपका चैनल है ये है अनसिक्योर नेटवर्क, मतलब इसको मान लो आप एक पब्लिक फ्री वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई है। तो गाइस मान लो बेसिकली एक पब्लिक वाईफाई के ऊपर चीजें ट्रांसफर करोगे तो कोई भी बंदा यहाँ पे बीच में बैठ के आपका डेटा को उठा सकता है। मान लो ये अटैकर है तो आपको जो अटैकर है वो बड़े ही आसानी से आपका डेटा जो आप एक्सेस कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई पे पीसी और आईफोन के बीच में उसको अटैक करके ले सकता है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है हमारा SSH। सो गाइस इसमें क्या होगा, SSH में जो आपका पीसी है जो आपका डेटा होगा उसको एक पैकेट के फॉर्म में लॉक कर देगा। तो मान लो आपका जो डेटा है उसको लॉक कर देगा एक पैकेट के अंदर एंड इसको की K1 से लॉक कर देगा। सो पीसी ने हमारा K1 से लॉक कर दिया डेटा को एंड ये ओवर अभी भी जो नेटवर्क है ये पब्लिक वाईफाई है, ये अभी भी अनसिक्योर ही है एंड ये भेज दिया हमारे आईफोन के पास। गाइस अब आईफोन क्या होगा, अब आईफोन को तो नहीं पता कि K1 की क्या है, तो आईफोन के पास अगर मान लो ये डेटा आ भी जाता है तो आईफोन के पास अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि इसको अनलॉक कैसे करूँगा मैं। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे आईफोन के पास ये डेटा आया एंड ये लॉक्ड डेटा जो है अभी ये K1 की से लॉक्ड है, तो आईफोन के पास अभी कोई भी की नहीं है कि इसको अनलॉक कैसे करे। अब आईफोन क्या करेगा, हमारा आईफोन इसको K2 की से लॉक कर देगा। अभी इसमें अब ये दो की से लॉक हो चुका है, एक K2 की से लॉक हो रखा है और एक K1 की से लॉक हो रखा है। तो ये अब क्या होगा, अब आईफोन जो है ये वापस डेटा भेज देगा हमारे पीसी के पास। अभी गाइस अब जो आईफोन ने पीसी पे डेटा भेजा है ये दो की से लॉक हो रखा है, एक K2 की से लॉक हो रखा है और एक K1 की से लॉक हो रखा है। और जो अटैकर है इसको ना ही K1 की पता है ना ही K2 की पता है। मान लो ये वाला डेटा जो ये वाला पैकेट है अटैकर ये ले भी लेता है, अटैकर के पास अगर ये किसी तरह आ भी जाता है तो भी गाइस अटैकर इसको अनलॉक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास की है ही नहीं। अनलॉक करने के लिए अटैकर के पास कोई की है ही नहीं, ना उसको K1 पता है ना उसको K2 पता है। अब गाइस पीसी के पास जब की आएगी तो पीसी क्या करेगा, अपनी जो K1 की है K1 की से लॉक हटा देगा। एंड गाइस अब पीसी ने K1 की से लॉक हटा दिया तो मतलब जो डेटा है उस पर सिर्फ की लगी हुई है K2 की, अभी भी डेटा वैसे तो लॉक ही है पर उसमें K2 की लगी हुई है। एंड गाइस अब पीसी वापस डेटा भेज देगा हमारे आईफोन के पास जो कि है सिर्फ K2 की से लॉक एंड आईफोन के पास डेटा आएगा, ये हुआ हमारा डेटा और ये जो लॉक है हमारा डेटा ये हो रखा है K2 की से और K2 की थी हमारे आईफोन की, तो सिंपली आईफोन को सारा डेटा मिल जाएगा जो भी हमारे पीसी ने भेजा हुआ। सो ये थोड़ा अनमेसी सा हो गया है, लेट मी नो द पोल किया डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसके नहीं चाहिए। सो बेसिकली काम इसी तरह से करता है, शायद आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सीडी एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा एंड गाइस बिल्कुल सिंपल एक ट्वीक इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, बस एक, जिसका नाम है ओपन SSH एंड गाइस दैट इज इट। सो मैं आप ये इसकी डिस्क्रिप्शन में सारी रिपोजिटरी वगैरह डाल दूंगा। वैसे गाइस ये रिपोजिटरी इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बाय डिफॉल्ट आपको अपने आपके आईफोन डिवाइस में देखने को मिल ही जाएगा। गाइस दिस राइट हियर इज द नेम, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूं, ये है गाइस ओपन SSH एंड गाइस बस यही आपको इंस्टॉल करना है आपको अपने आईफोन में और कुछ भी नहीं करना है। गाइस सिंपली आप इसको अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लेंगे ओपन SSH को
एंड गाइस उसके बाद मतलब बस बस और कुछ भी नहीं करना है। सो इसका क्या करेंगे, आप एक बार अपने वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे एंड गाइस वाईफाई में आपको यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है आई वाला, आप इन्फो पे क्लिक करेंगे एंड जो आपका आईपी एड्रेस होगा यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे। गाइस यही वाला आईपी एड्रेस जो होगा यही हम बाद में अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे अपने मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। सो गाइस मेरे केस में मेरा आईपी एड्रेस है मेरे मोबाइल का वो है 192.168.0.71 एंड गाइस बस अपने फोन को साइड में रख सकते हैं आराम से, फोन के साथ और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने विंडोज वाले पीसी से कैसे एक्सेस कर सकता हूं अपने मोबाइल को। सो मैं अपने मोबाइल पे से उठा के भी दिखा दूंगा आपको कि आपको जीने लगी मैंने वायर के थ्रू अटैच कर रखा है। सो अभी मैं एक बार दिखाता हूं आपको कंप्यूटर पे क्या क्या करना है। सो मैं अपने स्पेक्स पहन लेता हूं क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है देखने में। एनीवे गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा कंप्यूटर एंड गाइस आपको बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है WinSCP। मैं एक बार चेक करता हूं क्या नाम है एग्जैक्टली ये वाला सॉफ्टवेयर का, इसका नाम है WinSCP। गाइस आप चाहें तो जैसे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं पुट्टी करके एक सॉफ्टवेयर आता है गाइस, मेरे को नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं बट ये वाला सॉफ्टवेयर बड़ा ही काम का गाइस। पहले इसमें मैं इससे पहले मैं यही यूज करता था गाइस। जो पुट्टी वाला सॉफ्टवेयर मैं इसको इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि गाइस जो इसका इंटरफेस है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा रही हूं अबाउट दैट, उसका जो इंटरफेस है उसमें आपको सारी कमांड याद करनी पड़ेगी जो लिनक्स वाली कमांड्स होती हैं, तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है WinSCP, ये काफी ज्यादा आसान है काफी ज्यादा इजी है। सो इसमें वो करना क्या पड़ेगा, आपका सॉफ्टवेयर इस तरह खुल जाएगा। फाइल प्रोटोकॉल पर आप सेलेक्ट करेंगे FSFTP, यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस डालेंगे जो कि हमने अभी अभी अपने कंप्यूटर अपने आईफोन से कॉपी किया था, तो मेरे में था 192.168.0.71। गाइस ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, तो मेरे लिए 71 है एंड आपके लिए कुछ और हो सकता है। सो जो यूजर नेम होगा ये यूजुअली सबके लिए सेम ही होता है, यूजर नेम होगा रूट एंड गाइस जो पासवर्ड होगा वो होगा ALPINE। गाइस मैं इसके पूरे लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इसको देख सकते हैं मतलब यूजर नेम पासवर्ड वगैरह अगर आपको समझ नहीं आता तो आप सिंपली यहाँ पे लॉग इन करेंगे, ये सर्च करेगा होस्ट के लिए एंड गाइस 2 सेकंड के अंदर आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर के साथ। सो और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस मैं फाइनली अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल के फोन के अंदर आ चुका हूं एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये मेरा पूरा मोबाइल है गाइस उसकी सारी एक से एक फाइल गाइस मेरे को यहां पे देखने को मिल जाती हैं एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा मोबाइल है उसको मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है अपने कंप्यूटर के साथ। इनफैक्ट मैंने अपने कोई भी चीज को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर रखा है। सो आई विल जस्ट शो यू। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा कंप्यूटर यहाँ पर एंड गाइस कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है इससे एंड गाइस मैं पूरा वायरलेसली अपने फोन को एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू। सो आई विल जस्ट शो यू, मैं 2-3 फाइल्स आपको दिखाता हूँ जरा अपने कंप्यूटर की मतलब जो जो चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। गाइस इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका जो कंप्यूटर है एंड जो आपका मोबाइल फोन है वो सेम वायरलेस और वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए, या तो वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए एक हॉटस्पॉट के थ्रू, या फिर फिलहाल के लिए मैंने क्या कर रखा है मैंने अपने फोन को इस वाले फोन को एक वायरलेस हॉटस्पॉट बना रखा है इसका एंड इसको इससे कनेक्ट कर रखा है। तो मैं अपने फोन को अपने हाथ में रखता था कि आपको दिखाई देता रहे कि हाँ मेरे फोन को मैंने वायरलेसली मतलब वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है। सो मैं इस बार जाता हूँ जरा आपको दिखाता हूँ सिस्टम फाइल सिस्टम फोल्डर के अंदर। सो मैं आपको जरा दिखाता हूँ अपने रूट फोल्डर के अंदर में। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपने कि सो मैं आपको दिखाता हूँ अपने वायर फोल्डर के अंदर में वो क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो ओके जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे फोल्डर है ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे मोबाइल के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो मैं एक बार आपको जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रूट फोल्डर है गाइस, इसमें सारी लाइब्रेरी गाइस यहाँ पे सारी चीजें आपके जो मोबाइल के फोन के अंदर होती हैं वो सारे को देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सारी फाइल्स देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे हमें सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं हमारे जो फोन में हमें देखने को मिले हैं गाइस। आप चाहें तो एक एक करके सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं इसकी। सो आई विल जस्ट शो यू एक वॉलपेपर, मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को पता नहीं है कौन सा वॉलपेपर है बट आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे मोबाइल में से कोई सा एक सब जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ये वाला वॉलपेपर मेरे मोबाइल में देखने को मिल जाता है एंड उसकी रॉ फाइल है वो यहाँ पर हमारी सेव हो रखी है। इसी तरह से गाइस मैंने यहीं पर यहीं से अपने रिंगटोन को चेंज किया था। सो आई विल जस्ट शो यू जो रिंगटोन वाला फोल्डर है ये रहा रिंगटोन वाला फोल्डर गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे रिंगटोन्स जो है ये आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर एंड आप इनके साथ इनको ट्वीक कर करके इनको चेंज भी कर सकते हैं। गाइस मैं फटाफट आपको एक बार अपनी एक कंप्यूटर में से फाइल ट्रांसफर करके दिखाता हूँ अपने आईफोन में। सो वेट मैं जाता हूँ अपने लोकल डिस्क ई में कोई यूट्यूब डेटा उठाता हूँ एंड लेट्स से कोई वीडियो ट्रांसफर करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये वाली वीडियो लेट्स से 45 MB की वीडियो है या फिर ये वाली करता हूँ 15 MB की, मैं इसमें सिंपली इसको ड्रैग करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा एंड गाइज दैट इज इट। गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो गई है। गाइज अभी के लिए स्पीड काफी ज्यादा स्लो इसलिए आ रही है क्योंकि गाइज जो मेरा हॉटस्पॉट है वो मैंने कर रखा है कनेक्ट इस मोबाइल से एंड मोबाइल में आपको पता है ट्रांसफर स्पीड थोड़ी बहुत कम होती है, वैसे फिर भी मतलब ठीक ठाक स्पीड आ रही है 2.5 Mbps की आ रही है बट गाइज अगर मैंने इसको कनेक्ट कर रखा होता अपने वाईफाई राउटर के साथ तो स्पीड हमें और अच्छी देखने को मिल जाती। एनीवे गाइज सो बस ऑलमोस्ट ट्रांसफर कंप्लीट हो ही गई है।
एंड हे वी गो। सो गाइस अब मैं जाऊंगा अपने फिल्जा फाइल मैनेजर के अंदर। गाइस इसके लिए जो आपको बाय डिफॉल्ट फाइल्स मैनेजर होता है आपके मिलता है आपको आईफोन के अंदर, उससे आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने फाइल रूट सिस्टम, आपको एडिशनल ब्राउजर आपको एडिशनल फाइल मैनेजर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारे प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, सीडे स्टोर पर भी अवेलेबल है। मैंने फिल्जा डाउनलोड कर रखा है, फिल्जा भी मेरे को सबसे ज्यादा सही लगता है। सो गाइस आई जस्ट गो ऑन टू द सेम फाइल लोकेशन, तो ये है वार वार के अंदर मैंने इसको कर रखा है। सो आई जस्ट ओपन इट एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन कैमरा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यही वाली वीडियो है जो मैंने अभी भी ट्रांसफर करी है अपने कंप्यूटर से मोबाइल पे। एंड गाइस सो गाइस मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। सो मैं एक बार डिलीट करता हूँ इसको, देखते हैं क्या होता है। ओके अभी तो चल रही है, मे बी ये लोड हो चुकी है, मेमोरी मिस्टर चल रही है। अब दोबारा ओपन करूंगा तो दोबारा ओपन नहीं होगी शायद। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस अभी ओपन नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहां से इसको डिलीट कर दिया है। सो गाइस इसी तरह से आप सारी सेटिंग्स साथ ट्वीक कर सकते हैं अपने आईफोन की अपने कंप्यूटर के साथ गाइस वायरलेसली। सो वायरलेसली सारा सिस्टम हुआ है। सो गाइस शायद आपको देख के समझ आ गया हो कि आप SSH वायरलेसली अपने मोबाइल के अंदर कैसे कर सकते हैं। गाइस लेट मी नो इन द पोल कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं SSH के बारे में एक आईफोन के साथ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर मच इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।